हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रजत सिंह, वेलकम टू जीनियस अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। गुड इवनिंग सभी का, सभी को वेलकम है। प्रज्वल, अनंत, काश्मा, राजेश, श्रवण, सभी का वेलकम है। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस स्टील स्ट्रक्चर के, जो कि आपके जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज और कल दो दिन का सेशन हम स्टील के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज आशा करता हूँ कि सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मनीष वेलकम, गुड इवनिंग। सोनल, बिंदेश्वरी सिंह, संजीव, सभी का वेलकम है। जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग, राइट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वेलकम टेक्निकल स्वैग, संजीव। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे बुक्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे बुक्स लेना चाहते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग वाली जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही हैं, इसको आप जाके परचेज कर सकते हो अड्डा की वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। यूज़ करिएगा Y293S, कूपन कोड S यूज़ करते ही आपको 80% डिस्काउंट प्लस 1% एडिशनल इन फॉर्म ऑफ कॉइन मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पे। तो ये बुक लगभग आपको 300 रुपये में मिल जाएगी, फिजिकल कॉपी है, एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। तो जिनको भी चाहिए वो जाके परचेज कर सकते हैं डेफिनेटली। और साथ ही साथ जिनको बैचेस की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे AEJEE का बैच, वो कोई सा भी बैच आपको रिक्वायर्ड है, आप पर्टिकुलर बैच सर्च करेंगे आपको बैच मिल जाएगा। साथ ही साथ बैचेस के साथ साथ अगर किसी को टेस्ट सीरीज, बैचेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के महापैक के साथ। सिविल इंजीनियरिंग महापैक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे बैच, सारे टेस्ट सीरीज। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं Y293 कोड, यहाँ पे Y293, यहाँ S यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे Y293 यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा और इन बैचेस को जाके परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से। और सभी लोग आई थिंक आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डिप्लोमा लेवल या बीटेक लेवल जिसने भी जे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वो बुक है, उसके बारे में बता दिया है। डिप्लोमा लेवल और ये सब लेवल इससे डिसाइड नहीं होता, एग्जाम लेवल होता है। आपके SSC JEE लेवल बोल सकते हो उसको, NHPC लेवल बोल सकते हो। क्रैश कोर्स इज नथिंग बट, क्रैश कोर्स का मतलब क्या है कि कम समय में आपका रिवीजन वगैरह उसके लिए होते हैं, और अदरवाइज अगर आप फुल कोर्स ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कोई क्रैश वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टील डिजाइनिंग यानी कि स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन शुरू करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। सभी लोग पहले जल्दी से जल्दी आ जाओ यार, थम्स अप कर दो, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज आप लोग 8 बजे जरूर जुड़ना है सबको, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को, 8 बजे एक इम्पॉर्टेंट सेशन मैंने रखा है लाइव सेशन, उसमें वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ही किसी ने बैच में, पेड बैच में पूछा था सर DSSSB के वैकेंसी के बारे में क्या है, कुछ अपडेट है, तो उसी के बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ 8 बजे यूट्यूब चैनल पे, इसी पे। तो 8 बजे जरूर जुड़िएगा, 8 PM, ठीक। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर कीजिए। जिनको भी फुल कोर्स पढ़ना है, एप्लीकेशन पे जाइए, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके सर्च कीजिए, उसमें सिविल इंजीनियरिंग महापैक, उसको जाके परचेज कीजिए, 6 मंथ या 12 मंथ वाला अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैब जॉइंट इज कॉल्ड। बड़ा ही सिंपल सा, साधारण सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ पे दो प्लेटों को लैब जॉइंट में कनेक्ट करना है वेल्ड के द्वारा, कौन सा वेल्ड यूज करेंगे ये पूछा है। ऑब्वियस सी बात है कि लैब जॉइंट जो हम लोग करते हैं बोल्ट से, यहाँ पे वेल्ड के केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट वेल्ड, राइट। क्या बोलते हैं? फिलेट वेल्ड। यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं प्लेटों को, इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिलेट वेल्ड। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन, रिवेटेड जॉइंट फेल कहाँ होता है ये पूछा है। रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन, रिवेटेड जॉइंट कहाँ फेल होता है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए और बताइए विच वन इज करेक्ट। शेयरिंग ऑफ प्लेट ओनली, शेयरिंग ऑफ रिविट ओनली, ठीक, बियरिंग ऑफ प्लेट और रिविट ओनली,
एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि रिवेटेड जॉइंट है तो उसमें प्लेट की भी टियरिंग हो सकती है, उस करेक्शन का फेलियर का रीजन सियरिंग ऑफ द रिवेट भी हो सकता है, सियर फेलियर बेयरिंग ऑफ द प्लेट और रिवेट भी हो सकता है, और एनी ऑफ द अबव हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डी। फेलियर तो टियरिंग में भी हो सकता है, सियरिंग में, बेयरिंग में, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिविट इज, 14 mm डायमीटर रिविट दिया हुआ है, इसके लिए ग्रॉस डायमीटर आपसे पूछ रहा है। डायमीटर ऑफ रिविट, रिविट के केस में है, बोल्ट के केस में नहीं पूछा गया, यहाँ रिविट का केस पूछा गया है। जल्दी से बताइए फटाफट, ग्रॉस डायमीटर देके नॉमिनल डायमीटर, सॉरी द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 40 mm नॉमिनल, नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ है, ग्रॉस डायमीटर यहाँ पूछा है, जल्दी जल्दी बताइए। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यार, ग्रॉस डायमीटर वही डी नॉट, डी नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं रिविट के केस में, यदि डी की वैल्यू 24 तक हो, डी अप टू 24, तो क्या करते हैं डी नॉट के लिए, डी प्लस 1.5 mm, यदि डी की वैल्यू इससे ज्यादा हो तो, ग्रेटर देन 24 हो तो, सॉरी 24 नहीं 25, यहां लिखिए 25, रिविट है ना, रिविट में यहां पे 25 लिख लो, रिविट में यहां पे 25 लिख लो, 25, और इससे 25 से ज्यादा हो तो, डी प्लस 2 mm, ये ग्रॉस डायमीटर निकालने का तरीका है। यानी कि 14 दिया हुआ है, यानी कि 1.5 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15.5, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही अगर रिविट की जगह बोल्ट होता तो, बोल्ट होता तो बोल्ट के लिए क्या केस लेते, बोल्ट के लिए 12 से 14 तक डी प्लस 1, 16 से 24 तक डी प्लस 2, और ग्रेटर देन 24 डी प्लस 3, ये किसके लिए है, बोल्ट के लिए, डी नॉट की वैल्यू है ये सारी, ठीक है, बोल्ट के लिए। तो यहां पे इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट देखिए और नेक्स्ट का आंसर करें आप लोग जल्दी से जल्दी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, L इफेक्टिव की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द लेंथ इज L, वेयर S इक्वल टू साइज ऑफ द वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ बोल रहा है कि L इफेक्टिव कितना हम लेते हैं, जब आपको लेंथ ऑफ वेल्ड, आपको पता है ना कि एंड से थोड़ा थोड़ा माइनस कर देते हैं, कितना माइनस करते हैं, S और S माइनस कर देते हैं, 2S माइनस कर देते हैं, यहां पे L इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाता है L माइनस 2S, सी ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, एंड रिटर्न होता है 2s का, वो अलग चीज है, एंड रिटर्न हम लोग 2s 2s दोनों साइड में देते हैं, यहाँ पे ये एल इफेक्टिव पूछा है, एल इफेक्टिव एल में से 2s घटा देते हैं, ये कोडल प्रोविजन है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिविट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm इज, यहाँ पे बोला है द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिविट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm इज, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन रिविट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm, थिकनेस 10 mm दे दिया है। दो चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है और साथ ही साथ टेंशन मेंबर लिखा हुआ है, टेंशन मेंबर के लिए आपको पता है ना, टेंशन मेंबर के लिए क्राइटेरिया 16T 200 mm विच एवर इज लेस, यहां पे T क्या है, थिकनेस ऑफ द मिनिमम प्लेट, T 16 इंटू 10 mm एक ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 160 और 200, इन दोनों में से मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 160,
आपका आंसर कितना हो जाएगा, 160। फाइनल आंसर विल बी 160 mm, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर यहाँ पे कंप्रेशन दिया रहता तो, क्या करते, 12T और 200 mm, 12T और 200 mm, इन दोनों में से मिनिमम लेते। कुछ नहीं लिखा रहता तो 32T ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ना लिखा है टेंशन कंप्रेशन तो 32T ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेल टाइप। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेल्ड टाइप को डिस्क्राइब नहीं करता है, नॉट अ वेल्ड टाइप, वेल्ड का टाइप नहीं है। बट वेल्ड होता है क्या? बिल्कुल होता है, बट वेल्ड होता है। प्लग वेल्ड बिल्कुल होता है, प्लग और स्लॉट वेल्डिंग बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, सफिशियंट लेंथ नहीं होती है वेल्डिंग के लिए, तो उसी में ग्रूव बना देते हैं, ऊपर वाली प्लेट को कट करके ग्रूव बना के उसको वेल्ड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लग या स्लॉट वेल्ड। आपसे पूछ सकता है कि स्लॉट या प्लग वेल्ड बनाते हैं तो उसका डायामीटर कम से कम कितना रखते हैं, ठीक, ये पूछा जा सकता है। बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में, आप लोग को याद हो तो। जिगजैग वेल्ड नहीं होता है, जिगजैग वेल्ड नहीं होता है। लैप वेल्ड या फिलेट वेल्ड उसी को बोलते हैं, ये होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट पूछा है, नॉट डिस्क्राइब, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग बता सकते हैं प्लग वेल्ड या स्लॉट वेल्डिंग के लिए क्राइटेरिया क्या था, जल्दी से बताओ फटाफट। डाया का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए डायमीटर, जितने भी लोग हैं, सोनू, शशि, टेक्निकल स्वैग, प्रशांत, नेचर लवर, मोहम्मद, परवेज, कासमा, मुमताज, संजीव, गोविंद, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, इफ पी एंड डी आर द पिच एंड द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। नो आइडिया, ऐसा बोलोगे? जो लोग क्लास में एटलीस्ट पढ़े हैं कम से कम वो तो आंसर दो, कि पढ़ पढ़ के भूल जाते हो। बिल्कुल, देखो प्रशांत ने दिया 3T और 25 mm, 3T और 25 mm, बिल्कुल करेक्ट है प्रशांत। जो स्लॉट या प्लग बनाते हैं, बिल्कुल 3T और 25 mm, यहाँ पे लिख लीजिए। बिल्कुल साइलेंस, रोरिंग, नेचर लवर, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे इसका आंसर दो यार। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। यहां पे क्या पूछा है, इफ पी एंड डी आर द पिच एंड ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिविट, द एफिशिएंसी नीटा ऑफ द रिविट जॉइंट इज गिवन बाय। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑब्वियस ही बात है कि P माइनस एन डी नॉट, जैसे P पिच ले लिया, यहाँ पे दो बोल्ट के बीच की दूरी ले लिया है, यहाँ पे दो बोल्ट के बीच की दूरी के लिए ही निकाल रहा है, मतलब आपको केवल एक सिंगल बोल्ट के लिए निकाल रहा है, एफिशिएंसी पर पिच निकाल रहा है। एफिशिएंसी पर पिच निकालते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डी एंड पी एंड डी आर द पिच एंड द ग्रॉस डायमीटर, पिच दे रखा है तो पिच के टर्म्स में निकालेंगे पर पिच, तो आपको क्या हो जाएगा, ऊपर नेट एरिया लिखेंगे, नेट एरिया क्या हो जाएगा, पी माइनस एन डी नॉट एक ही डायमीटर है, पी इंटू यहाँ पे जो भी स्ट्रेस होगी इंटू टी इंटू स्ट्रेस कर देंगे अपॉन टोटल एरिया इंटू स्ट्रेस, ये कट जाएगा, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, पी माइनस डी डिवाइडेड बाय पी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी, ये टी है, दिस इज टी, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी एंड द साइज ऑफ वेल्ड एस आर कनेक्टेड एज, दोनों में क्या रिलेशन है, ये पूछा है। आपको पता है थ्रॉट थिकनेस क्या होती है, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो दो सर्फेसेस जिनको वेल्ड करते हैं उनकी जो हाइट होती है वेल्ड की उधर, वो साइज ऑफ वेल्ड कहलाती है, और
दिस वन इज द थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस इसकी वैल्यू जो आती है निकल के, वो वैल्यू आती है के इंटू एस के बराबर, वेयर एस इज द साइज ऑफ वेल्ड, के इज द थ्रॉट कोफिशियंट। यहां पे टी की वैल्यू जो आएगी वो टी की वैल्यू टी इक्वल टू के इंटू एस, राइट, टी इज इक्वल टू के इंटू एस। यहां पे के की वैल्यू आपको याद करनी है, के की वैल्यू 60 से कम नहीं हो सकती और 120 से ज्यादा नहीं हो सकती। एंगल जब भी हम लोग वेल्ड करेंगे तो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस ये 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में ही रहता है, ठीक है। और 60 से 120 के बीच की सारी वैल्यू के की आपको याद रखनी है। आपने याद भी करा होगा 60 से 90 के लिए कितना होगा, फिर 90 से 100 के लिए कितना होगा, इस तरीके से आपने वैल्यू सारी की सारी याद रखी होंगी। क्लास मिल जाएगी टेक्निकल स्वैग इसी चैनल पे, जाओ अभी कुछ ही दिन पहले तो कराया है, आप जाके देखिए पीछे स्क्रॉल करके वीडियोस में, वीडियो पर क्लिक करके आपको मिल जाएंगे, उसमें थंबनेल भी लगा हुआ है। नेक्स्ट, बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। शियर, बेंडिंग, एक्सियल टेंशन या फिर शियर एंड बेंडिंग, मोस्ट सुटेबल टू कैरी या पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा मजबूत किस में होते हैं बोल्ट्स, ये पूछना चाह रहा है। चलो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। करेक्ट है, करेक्ट, एक्सियल टेंशन स्ट्रांग जो होता है वो एक्सियल टेंशन में, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक्सियल टेंशन। फेलियर वीक कहाँ होता है, शियर में फेल होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर रिविट ऑफ डायामीटर 36, डायामीटर रिविट ऑफ 36 mm डायामीटर, द डायामीटर ऑफ द होल शैल बी टेकन, एज आपको पता था 24 से 25 से ज्यादा है ये 36, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 2 ऐड कर देंगे। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पिकअप द रॉन्गली रिटन अजम्पशन टेकन इन द एनालिसिस ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट के एनालिसिस में रॉन्गली रिटन अजम्पशन क्या है, यहां पे ये पूछा है। पिकअप द रॉन्गली रिटन अजम्पशन, फ्रिक्शन इन अ प्लेट इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स होना चाहिए, फ्रिक्शन इन प्लेट्स इज नेग्लिजिबल, करेक्ट लिखा हुआ है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट इज नॉट कंसिडर्ड, पूरे के पूरे प्लेट में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, यहां पर लिखा है नॉट कंसिडर्ड, यानी कि यह गलत लिखा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, ये तो करेक्ट लिखा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। टोटल लोड ऑन द ज्वाइंट इज इक्वली शेयर्ड बाई ऑल द रिविट्स, ये भी सही है अजम्पशन, ये भी अजम्पशन सही है। टोटल लोड ऑन द रिविट ज्वाइंट इक्वली शेयर्ड बाई ऑल द रिविट, ये हम लोग मानते हैं कि लेंथ ऑफ कनेक्शन अगर आपका उस लिमिट के अंदर है, उसकी जो भी परमिसेबल लिमिट है, ठीक है, 15D उसके अंदर है और उस पर सभी लोड, सभी जो टोटल लोड आ रहा है वो हर रिविट पे बराबर बराबर शेयर हो रहा है, ये अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं। यानी कि आपसे पूछा था रॉन्गली रिटन, रॉन्गली रिटन गलत कौन सा लिखा है, गलत लिखा हुआ है बी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल लॉक कर दिया बी को, सही है आपका आंसर। द टाइप ऑफ वेल्ड यूज टू कनेक्ट टू प्लेट एट लैप ज्वाइंट इज कॉल्ड, ये तो क्वेश्चन आपने कर लिया है, इसको तो तुरंत स्किप करते हैं बहुत तेजी के साथ। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज, स्क्वायर एज दे दिया है यहां पे, आपसे पूछा है मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड का मैक्सिमम साइज, साइज की मैक्सिमम वैल्यू, एस की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ स्क्वायर एज, एस मैक्सिमम, स्क्वायर एज के लिए क्या होता है, टी मिनिमम माइनस 1.25,
इसके लिए स्क्वायर है, इसके लिए राउंडेड एज के लिए, राउंडेड एज के लिए क्या लेते हैं जल्दी से बताइए फटाफट, कितने लोग बता सकते हैं? यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है 1.5 mm लेस देन दी थिकनेस ऑफ दी प्लेट, यानी कि मिनिमम प्लेट की जो थिकनेस होगी उसमें से 1.5 घटाते हैं। राउंडेड एज के लिए क्या होता है जल्दी से बता दो, 3/4 ऑफ दी नॉमिनल थिकनेस, बिल्कुल करेक्ट है, 3/4 ऑफ दी नॉमिनल थिकनेस राउंडेड एज के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला, द साइज ऑफ द रिविट इज आइडेंटिफाइड बाई, साइज ऑफ द रिविट इज आइडेंटिफाइड बाई, रिविट का साइज कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किस चीज का डायामीटर होता है वहां पे, डायामीटर ऑफ सैंक होता है, डायामीटर ऑफ हेड होता है, लेंथ ऑफ सैंक होता है, या शेप ऑफ हेड होता है। ऑप्शन पढ़ के भी बता सकते हो, यहाँ पे सैंक डायामीटर के हिसाब से ही उसका साइज डिसाइड किया जाता है, डाया ऑफ सैंक इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 100%, बिल्कुल। अंजलि, मुदित, टेक्निकल स्वैग, अक्षय रावत, डेविड, अभिषेक गलत बता रहे हो यार, लेंथ ऑफ सैंक नहीं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिविट इन बियरिंग ऑन रिविट इज, यहाँ पे रिविट के लिए आपको स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है, और वो भी फील्ड रिविटिंग है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फील्ड रिविटिंग, पावर ड्रिवन बियरिंग, है ना, जल्दी से बताइए। एक्सियल टेंशन या फिर शियर, परमिसिबल शियर पूछ ले आपसे, या फिर बियरिंग पूछ ले, पावर ड्रिवन हो या फिर हैंड ड्रिवन हो, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। वर्कशॉप की, वर्कशॉप यानी कि शॉप रिविट की वैल्यू, शॉप रिविट की वैल्यू लिखवा देता हूं, और फील्ड का है तो उसको 10% से घटा देना, कितनी होती है वैल्यू, सभी को याद भी होगी, बहुत सारे लोगों को, जल्दी से बता दो फटाफट, 1/1 करके लिखवाया है मैंने कॉपी में आपको पेड बैच में, जल्दी से बताइए फटाफट बताइए कितनी कितनी वैल्यूज होती हैं। पहले पावर वाले के लिए बताओ, पावर वाले के लिए एक्सियल टेंशन में कितना लिखूं, जल्दी से बताइए, 100 लिख दूं यहाँ पे, शियर में भी 100 लिख दूं, और यहाँ पे 300, सारी की सारी वैल्यू किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, राइट, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में सारी वैल्यू है, और यहाँ पे 80 80 250 किसके लिए है, ये वर्कशॉप के लिए। और अगर आपको फील्ड के केस में पूछा जाए, फील्ड के केस में, ये तो शॉप रिविटिंग है, फील्ड के केस में इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग 10% से रिड्यूस कर देते हैं, तो आपसे पूछा है ये वाला पावर ड्रिवन बियरिंग में फील्ड का पूछा है, मतलब 300 को 10% घटा दोगे तो 30 घटा दोगे ना इसमें से, कितना हो जाएगा 270, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद है, बहुत अच्छी बात है, याद होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, फिलेट वेल्ड का साइज कैसे इंडिकेट किया जाता है, द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, साइज ऑफ द प्लेट, साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, थ्रॉट ऑफ द फिलेट, लेंथ ऑफ द फिलेट, जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट। हम लोग साइज कैसे लिखते हैं वेल्ड का, के एस इंटू एल इफेक्टिव लिखते हैं ना, वेयर के एस क्या होता है, के एस इज द थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस होता है, तो साइज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेल्ड के साइज को, द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय थ्रॉट, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
साइज ऑफ द वेल्ड नहीं पूछा है, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय थ्रॉट ऑफ द फिलेट। चलिए लिख लिया ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16। ओनली 8 लाइव नहीं है, 59 लाइव है। कैसे देख रहे हो अनंत? 59 है, 59 60 लाइव है अभी इस समय फिलहाल में। अभी बच्चे कम हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा समय के साथ साथ लो हो जाते हैं ना बच्चे। अच्छा यहाँ पे साइज पूछा है ना, थ्रॉट नहीं पूछा है, यहाँ पे साइज पूछा है गाइस, साइज पूछा है ना, साइज ऑफ फिलेट। एस की बात ही पूछ रहा है, एस ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट एस ही पूछा है इसमें आपसे, ये एस ही पूछा है इस क्वेश्चन में, इसमें तो एस पूछा है, साइज का ही पूछा है कि साइज ही क्या होता है। तो साइड ऑफ द प्लेट, साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, थ्रॉट ऑफ द फिलेट, लेंथ ऑफ द फिलेट, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये एस ही के बारे में पूछ लिया ये डायरेक्ट, स्ट्रेंथ नहीं लिखा हुआ है। अगर फिलेट की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है वो पूछता तो आपसे केएस कर देते, केएस को टिक करते, ये एस की बात ही पूछा है। ये ट्रायंगल का साइड ही तो होता है, ये साइड होता है ना एस, डायरेक्ट इसमें एस के बारे में ही पूछा है। ठीक है, आई थिंक नेट का कुछ इश्यू है क्या? मुझे भी लग रहा है आप लोग के एंड पे कुछ आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर 59 58 लाइव्स आ रहे हैं, और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 8 लाइव दिखा रहा है। मेरे एंड से तो इशू नहीं है, आई थिंक मुझे तो क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट, डायामीटर ऑफ द रिवेट होल इज मेड, बिल्कुल डायामीटर ऑफ द रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायामीटर ऑफ द रिवेट बाई, जल्दी से बताइए। डायामीटर ऑफ द रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायामीटर ऑफ रिवेट बाई। अब ये क्वेश्चन देख के कई लोग सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन अधूरा क्यों लगेगा कि सर यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 25 से कम है या 25 से ज्यादा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन भी पढ़ लो बेटा। 25 से कम होता है तो 1.5 बढ़ा देते हैं, 25 से ज्यादा होता है तो 2 mm बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं 1.5 इसमें दिया है क्या? 1.5 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 mm वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेस इज, ऑब्वियस सी बात है स्टील में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग कितना यूज करते हैं, 1.15 का, तभी तो ये 0.87 FY हो जाता है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ 1.5 लिखा होता तो गड़बड़ हो जाता उस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टेक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज, एक सरफेस से दूसरी सरफेस कॉन्टेक्ट में होती है तो उससे जो लोड ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़े होंगे जब भी हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं दो प्लेटों को जोड़ते हैं, दो आई सेक्शन जैसे बने हुए हैं उनको आपस में जोड़ रहे हो राइट, तो इनको जोड़ते हैं तो फोर्स जो ट्रांसफर होता है वो दो एक्शन से ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जो स्प्लाइस प्लेट आप लगाते हो स्प्लाइस प्लेट से ट्रांसफर होता है, और साथ साथ में जो प्लेट आपस में जुड़ी होती है जहाँ पे आपस में एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऐसे टच कर रही है, यहाँ पे बियरिंग एक्शन से ट्रांसफर होता है, तो बियरिंग एक्शन बोलते हैं जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है और ऊपर से लोड आ रहा है ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बियरिंग एक्शन, डायरेक्ट बियरिंग एक्शन से, तो बियरिंग स्ट्रेस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द फिलेट टू थ्रॉट थिकनेस, यहाँ पे ये 45 डिग्री देने का मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट का मतलब ये इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से मान लो फिलेट वेल्ड हम कर रहे हैं तो ये वाला एंगल इन्होंने दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, ये एस है, ये एस है, आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, √2S राइट,
और ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, वो दोनों बराबर साइड हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, 45 45, ये 45 है ये 45, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो ये टोटल अगर रूट टू एस है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा एस अपॉन रूट टू, तो ये भी एस अपॉन रूट टू हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस अपॉन रूट टू, इसकी वैल्यू के एस की वैल्यू, ये किसकी है, थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू है, टी की वैल्यू। आपसे क्या पूछा है इसमें, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द फिलेट टू द थ्रॉट थिकनेस, मतलब एस अपॉन टी की वैल्यू पूछा है। टी आपने निकाल लिया, एस बाई रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू इज टू वन। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग बोथ आर द सेम बिट्टू, ठीक है, और 3T और 25 ही लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट रिवेट और बोल्ट होल मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड, अलॉन्ग द डायरेक्शन मेजर किया जा रहा है, जल्दी से बताइए उसको क्या बोलेंगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन अगर मेजर करें तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसको अलॉन्ग द डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन अगर बोला जाए तो इसको गेज बोलेंगे, तो यहाँ पे अलॉन्ग द डायरेक्शन बोला है तो इसको क्या बोलेंगे, पिच। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पिच बोलेंगे इसको। व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्विक लोड इज टेकन इन टू अकाउंट द परमिसेबल स्ट्रेस एज स्पेसिफाइड इन रिवेट मे बी इंक्रीज बाई, वेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इन टू अकाउंट, जब विंड और अर्थक्वेक का इफेक्ट हम काउंट करेंगे तो परमिसेबल स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन द रिविट, रिविट के लिए पूछ रहा है, कनेक्टिंग मेंबर्स के लिए पूछ रहा है, रिविट मे बी इंक्रीज बाई, रिविट के लिए कितना इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज लिखा हुआ है तो -50% तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये कोडल प्रोविजन है याद रखना, यहाँ पे 25%, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहाँ पे 25%। मेन प्लेट के लिए, अगर प्लेट के लिए मेन मेंबर के लिए पूछता तो 33% हो जाता, ठीक है, 33.33%। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टर्स होते हैं, रिवेट्स वगैरह, बोल्ट वगैरह, इन सब के लिए पूछा जाए तो 25% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर ज्वाइंट बाई टू कवर प्लेट्स द ज्वाइंट इज नोन एज, तो प्लेटों को एंड टू एंड प्लेस कर दिया गया इस तरीके से, और इनके ऊपर कवर प्लेट लगा दी गई। इसको क्या बोलेंगे, टू कवर प्लेट है ना, इसको क्या बोलेंगे, डबल कवर, डबल कवर बट जॉइंट, बट जॉइंट जब सामने सामने लगाते हैं प्लेट को, डबल कवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड में कवर प्लेट है। एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच रिविट्स आर प्लेस नोन एज, रिविट लाइन, स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, गेज लाइन भी दिया होता तो उसको गेज लाइन भी बोलते हैं, ये रिविट लाइन, स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन सारे एक ही टर्म है, एक ही के लिए यूज होते हैं, रिविट लाइन के लिए, ठीक है। इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच द रिविट्स आर प्लेस्ड, जिस लाइन के अलॉन्ग रिविट्स को लगाया जाता है उसको रिविट लाइन भी बोलते हैं, स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन सब बोलते हैं इसमें। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी नहीं है, ये सी और डी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है।
Packing rivets are used if the minimum distance between the center of two adjacent rivet exceeds 12 t or 200 mm, whichever is less. बोला गया कि टैकिंग ऑफ द रिविट तब यूज करते हैं जब दो बोल्ट के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी बढ़ जाए, एक्सीड हो जाए 12 t और 200 mm से, तो बीच में टैकिंग कर देते हैं. टैकिंग, पहली बात तो ये समझना है टैकिंग कब यूज किया जाता है. टैकिंग कंप्रेशन में यूज होता है, कंप्रेशन मेंबर में, जब दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है इस तरीके से. मान लो एक प्लेट यहाँ पे है और इसको यहाँ पे गसेट प्लेट से आपने कनेक्ट किया है, इधर भी एक गसेट प्लेट लगा कनेक्ट किया है, और इसके पीछे भी एक प्लेट है और इस पे कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, इस पे कंप्रेशन आ रहा है, तो ये बकल कर सकता है. तो इसके बीच में दोनों प्लेट को, पीछे वाली जो प्लेट होगी और आगे वाली प्लेट, आपस में जोड़ते हैं इस तरीके से हम लोग टैक बोल्ट या टैक रिविट से, जिससे कि क्या हो, इसमें बकलिंग ना हो, दोनों प्लेट में सिंगल की तरह बिहेव करें, अलग अलग बकल ना कर जाए, इस तरीके से मुड़ ना जाए. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है. जब कंप्रेशन में इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस, इतने से ज्यादा होगा तो बकलिंग के चांसेस बढ़ेंगे, वहां पे हम लोग टैकिंग कर देंगे. ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, टैकिंग रिविट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस. बिल्कुल स्ट्रेस कैलकुलेशन में या फोर्स कैलकुलेशन में उसका कोई यूज नहीं होता है, केवल मेंबर को आपस में जोड़ने का काम करती है. टैकिंग रिविट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट बैक टू बैक. बिल्कुल सही लिखा है जो मैंने आपको बताया, कंप्रेशन मेंबर है ये, दो मेंबर हैं बैक टू बैक, आगे पीछे लगे हुए हैं, तो वहां पे उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए टैकिंग रिविट लगाते हैं. डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकारी ऑप्शन, कुछ भी बोल लो, डी ऑप्शन इज करेक्ट. व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर टैकिंग रिविट्स आर नॉट प्रोवाइडेड एट अ पिच लाइन पिच इन अ लाइन नॉट एक्सीडिंग. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू वेदर, और यहाँ पे टैकिंग के लिए बात कर रहे हैं. जल्दी से बताइए, व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर टैकिंग रिविट्स आर प्रोवाइडेड एट अ पिच, फटाफट बताइए. एक्सपोज टू वेदर होगा तो 16 t, और नॉट एक्सपोज टू वेदर होता तो 32 t. ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट है. इन अ स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज, स्टील बीम सेक्शन में वेब क्या कैरी करता है, जल्दी से बताइए. इन अ स्टील बीम सेक्शन वेब कैरीज द कंप्रेशन टेंशन मूवमेंट एंड शियर. विच इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट. डी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉक कर दिया जाए. बिल्कुल वेब पे शियर आता है. ठीक है, इसीलिए अभी आज आपने पढ़ा भी होगा, आज पेड बैच में पढ़ाया था मैंने स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड कराते थे. ठीक है, चलिए. मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर, मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर. थिकनेस ऑफ द स्टील प्लेट पूछा है, जब वेदर से एक्सपोज ना हो तो 6 mm, अगर होगा तो 8 mm. एक्सपोज टू वेदर होता तो ये वाला आंसर कर देते, और नॉट एक्सपोज टू लिखा है तो 6 mm इस करें 6 mm. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग फ्लैट्स इन अ स्टील कॉलम इज, लेसिंग बार, लेसिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है ये पूछा है, जल्दी से बताइए मुझे. 120, 145, 180 एंड 320, आप सभी बता सकते हो इसका आंसर बड़ा ही आसानी से. लेसिंग मेंबर के लिए दैट इज 145 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है,
द इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ द लेज्ड कॉलम कंपेयर टू द एक्चुअल मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो सेल बी कंसिडर्ड एज। तो एक्चुअल मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो होता है लेमडा, लेमडा मैक्सिमम, इसकी इफेक्टिव वैल्यू जब निकालते हैं इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो, तो लेज्ड कॉलम दिया रहा है तो इसको कितना बढ़ा देते हैं, 5% बढ़ा देते हैं इसको, 1.05 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। शियर डिफॉर्मेशन के इफेक्ट से बचाने के लिए। और अगर यहीं लेसिंग की जगह बैटन्स होता तो, बैटन्स होता तो कितना, 10%। लेसिंग और ब्रेसिंग के लिए 5%, बैटन्स के लिए 10%। यहां पे ऑप्शन ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैटिंग में नहीं, बैटन्स में, बैटिंग कौन कर रहा है ना। द लेसिंग बार्स इन द स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट। लेसिंग बार को हम लोग डिजाइन करते हैं स्टील कॉलम में कितने फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। सपोज करो इस तरीके से एक सेक्शन है, चैनल सेक्शन, सी सेक्शन, और यहां लगा हुआ है इस तरीके से, और दोनों साइड में इसके लेसिंग प्रोवाइड की गई है। इधर भी लेसिंग रेड से दिखा दे रहा हूँ, ऊपर से सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये होंगी कैसे, इंक्लाइंड, तिरछी होंगी ना। तो एक बस लाइन से ऐसे दिखा देता हूँ, सीधी लाइन से इधर इधर लगे हुए हैं लेसिंग। तो जो भी टॉप से इस पे लोड आएगा, जो भी टॉप से ऊपर से लोड इसके पे आएगा एक्सियल लोड, उस एक्सियल लोड का 2.5% ऑफ द कॉलम लोड हम लोग ले लेते हैं, ठीक। जैसे P लोड लग रहा था तो P का 2.5% हमने निकाला, 2.5% ऑफ P, इसको मान लो बोल दिया V। अगर इसमें दोनों साइड लेसिंग लगाया तो इधर V बाई 2 आएगा, इधर V बाई 2 आएगा, और लेसिंग कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है उससे हम लोग लेसिंग मेंबर के अंदर फोर्स को भी निकाल लेते हैं, जिससे कि उसकी थिकनेस वगैरह हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बताया है पेड बैचेस में किस तरीके से उस पर फोर्स निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है प्रोसेस, अगर उस पर फोर्स भी निकालने को आ जाए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल तो वही है, सविल भाई रजत सर है, उसी में चैट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आज इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं, सफिशिएंट है जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ दो तीन चीजें और भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी कल आपको थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, आज स्टील का पहला था सेशन इसलिए प्रीवियस ईयर पहले लगाया एसएससी जेई वाले, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। तो बिल्कुल इतना तो है ही कि आपको इजी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। टफ का मतलब ये नहीं होता है कि वो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ वर्ल्ड, यूनिवर्स के बाहर से कहीं क्वेश्चन आएगा, वो भी कहीं ना कहीं IAS कोड से ही होगा। स्टील को आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो आपको स्टील और RCC में दो ही चीज़ बोलता हूँ, स्टील के लिए आपको IAS 800 पढ़ना होगा और RCC के लिए IAS 456 आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन कोडल प्रोविजन से ही आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, कोडल प्रोविजन से वैल्यूज आपको याद होंगी तो आपके क्वेश्चंस तुरंत हो जाएंगे, नहीं याद होंगी तो JEE के क्वेश्चन सोचते रह जाओगे, है ना, बस सोचते रह जाओगे वहाँ, ठीक। आज 9 बजे वाले सेशन में मैं आपको TBM के क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, TBM के क्वेश्चन, TBM का कंसेप्ट बताऊंगा। और 8 बजे, आज 8 बजे सेशन में 8 PM पे जुड़िएगा, DSSB के बारे में बताऊंगा, DSSB की जो वैकेंसी आई है,
जेई और एई। अच्छी वैकेंसी हैं सिविल वालों के लिए, तो बम्पर वैकेंसी हैं, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर देखने को मिल जाएगा वैकेंसी का। ठीक है, तो 8 बजे जुड़ते हैं इस सेशन में, छोटा सा सेशन होगा। ठीक है गाइज, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में, है ना। और बाकी जिन बच्चों को भी बैचेस वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस, Y293 कूपन यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी बैच को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं आपसे फिर 8 बजे।